कहने को बात पुरानी है लेकिन पुरानी हो नहीं सकती। सलमान ऐश्वर्या का झगड़ा, दोनों का ब्रेकअप और बीच में विवेक ओबेरॉय की एंट्री। लेकिन इन सब के बीच सलमान का करियर ठीक है, ऐश्वर्या का ठीक है, विवेक ओबेरॉय जो इस रिश्ते में कहीं न कहीं फंसे थे। पर विवेक ओबेरॉय को सबसे बुरा तब लगा जब ऐश्वर्या ने विवेक को कह दिया कि वो इमेच्योर है। नमस्कार आदाब, मैं हूँ अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी बीट पर। बात चल रही है उस लव ट्रायंगल की जो है ऐश्वर्या, सलमान और विवेक के पुराने टाइम का। दरअसल सलमान ऐश्वर्या के झगड़े के बाद विवेक आए थे ऐश्वर्या की लाइफ में। वहीं पर ऐश्वर्या को खुश करने के लिए उन्होंने सलमान के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और उसमें खुलकर उन्होंने बातें की थी। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विवेक ओबेरॉय एक नेशनल विलन बन गए थे। उन्होंने कई दोस्तों को खो दिया था और उसके बाद जो उनके जीवन में ड्रास्टिक चेंज आया वो सिर्फ विवेक ओबेरॉय ही समझ सकते हैं। पर सबसे बुरा विवेक को तब लगा कि जिसके लिए उन्होंने ये सारी चीजें की, सलमान से पंगा लिया, उसी ऐश्वर्या राय ने विवेक को इमेच्योर कह दिया था। दरअसल एक बार फराह खान के चैट शो तेरे मेरे बीच में बात करते हुए विवेक ओबेरॉय ने कहा था कि मैंने सलमान के खिलाफ ऐश्वर्या को खुश करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और उसी के बाद से सारे पंगे हुए। इसी पर फराह खान ने विवेक से पूछा कि लेकिन जिनके लिए आपने ये सब किया, क्या उन्होंने कभी आपका साथ दिया, अप्रिशिएट किया आपको? इसी पर विवेक ओबेरॉय साहब बोल पड़े कि नहीं, बिल्कुल नहीं, इवन इतना सब करने के बाद ऐश्वर्या ने मुझे इमेच्योर कह दिया था। ऐश्वर्या ने कहा कि तुम बहुत इमेच्योर हो। और अपने इसी दर्द को बयां करते करते विवेक ओबेरॉय साहब ये भी कह पड़े कि अपने इंडस्ट्री में एक दस्तूर है, जैसे टपरवेयर जहां प्लास्टिक के डब्बे बनाते हैं उससे ज्यादा प्लास्टिक हमारे यहां है। प्लास्टिक स्माइल है, प्लास्टिक हार्ट है, प्लास्टिक एवरीथिंग। पर विवेक से उसी चैट शो में फरहान ने ये भी पूछा कि क्या आप ऐश्वर्या को पूरी तरीके से भुला चुके हो? विवेक ने हंसते हुए इस बात को एग्री किया और उन्होंने कहा कि उन्हें मैं भुला चुका हूं। और इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद विवेक ओबेरॉय ने सीखा कि जो भी करना है दिल से करो, सबकी सुनो, खुद की करो, बुरे वक्त पर घबराना नहीं और अच्छे वक्त पर पगलाना नहीं। तो इस तरीके से विवेक का दर्द फूटा था जब ऐश्वर्या ने उन्हें इमेच्योर कह दिया था। और इसी बात पर विवेक ने भी पलट कर कह दिया प्लास्टिक स्माइल, प्लास्टिक हार्ट, प्लास्टिक एवरीथिंग, लेकिन इनडायरेक्टली। तो इस तरीके से ऐश्वर्या और सलमान के बीच जब विवेक फंसे तो उन्हें इतना सब कुछ सामना करना पड़ा। फिल्मी बीट के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।